हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। प्रीवियस क्लास में मैंने 6.1 को इंट्रोड्यूस किया था। आइए कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन उसको हम लोग डील करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्क्वायर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑड एंड व्हिच आर इवन। ये हम लोग को पता करना है कि इस क्वेश्चन में किसी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कौन इवन है और कौन ऑड है। तो देखिए, इसका कंसेप्ट यही है कि जो नंबर ऑड होगा उसका स्क्वायर ऑलवेज ऑड होगा और जो नंबर पहले से इवन है उसका स्क्वायर ऑलवेज इवन होगा। क्लियर है? जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। देखो 2 क्या था, इवन नंबर, तो 4 भी क्या है, इवन नंबर। ठीक है, 9 है ऑड नंबर, तो 9 ऑड नंबर, इसका स्क्वायर करते हैं 81, ये भी क्या है, ऑड नंबर। तो हम लोग यूनिट डिजिट से ही पता चल जाता है, ऐसे दिखाना है आपको तो 231। तो इसके हम सिर्फ यूनिट डिजिट के ही स्क्वायर करते तो 1 ऑड नंबर है, पता चल गया। 792, तो इसके हम यूनिट डिजिट का ही सिर्फ स्क्वायर करेंगे तो 4 इवन नंबर आएगा, हम समझ गए। अब क्या आएगा, तो इसको तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो पूछेगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 231 इंटू 231। क्लियर है? लेकिन आपसे पूछ रहा है सिर्फ किसका स्क्वायर ऑड है, किसका स्क्वायर करेंगे तो इवन है। तो आप इतना ही कंसेप्ट से क्लियर कर लीजिए। ऐसे तो हमको पता है कि जो नंबर ऑड होता है उसका स्क्वायर ऑलवेज ऑड होता है, जो नंबर इवन है उसका स्क्वायर ऑलवेज इवन होता है। क्लियर है? चलिए फोर्थ नंबर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग। अब देखिए 47 का स्क्वायर करना है, 7.5 का स्क्वायरिंग करना है। ठीक है, तो देखिए स्क्वायरिंग का ऐसे रूल होता है, आप लोग को नहीं पढ़ना है, वो कॉम्पिटिशन में पढ़ना होता है। लेकिन स्क्वायरिंग का रूल है, आप लोग जो है एक नॉर्मल मेथड से जो बनाते हैं। अब 47 का स्क्वायर करना है, तो 47 है, 47 का स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर कर दिए। और किसी का स्क्वायर है इसका मतलब वह नंबर और इट सेल्फ नंबर से दो बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 47 इंटू 47 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों को इंटू करेंगे तो 2209 आ गया। सिमिलरली 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर का मतलब डबल टाइम्स इंटू के फॉर्म में हो जाएगा। फिर ये दोनों का इंटू करके इसको लिख दिया गया, स्क्वायर हो गया। सेवन नंबर, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर के बीच में, मिड में, बिटवीन में कितने नंबर्स आएंगे। तो इसका एक फार्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अब ऐसे हम लोग को चेक करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर 14 है और 8 का स्क्वायर 64। तो बताइए 49 और 64 के बीच में हम लोग काउंट करेंगे, फिर 50 है, 51 है, 63 तक है ना, 8 का स्क्वायर 64 तक चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए उतना नहीं चेक करना पड़ेगा, इसके लिए कंसेप्ट क्या है ध्यान दीजिए। 12 नंबर्स लाइंग बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन के होल स्क्वायर में 12 नंबर्स होता है। अब इसको कंसेप्ट को समझिएगा, जैसे क्वेश्चन में क्या है, 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। तो देखो हम क्या कर दिए, देखो यहाँ क्या है, एन स्क्वायर और एन प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ जो स्क्वायर होगा जिसका और उसी का उसी नंबर में प्लस वन का होल स्क्वायर होगा। तो जब एन के जो जगह होगा वह 2n, वो नंबर्स पता चल जाता है। अब देखो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर है, तुम लिख सकते हैं 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो एन स्क्वायर हो, एन की जगह 7 हो गया, एन प्लस वन का होल स्क्वायर, तो एन की जगह क्या दिखा रहा है, 7। तो 2n नंबर होगा तो 2 × 7 यानी क्या हो गया, आपका यही आंसर 14 हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, एक दो क्वेश्चन और बच गया है, उसके बाद 6.1 को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।